दोस्तों क्या हुआ जब उड़ीसा में अचानक नदी से निकला एक दिव्य मंदिर, फिर जो हुआ उसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां हर दूसरे दिन भगवान से जुड़े कुछ ना कुछ राज मिलते ही रहते हैं। कभी कभी तो ये राज इतने रहस्यमय होते हैं कि विज्ञान भी इन रहस्यों से पर्दा उठाने में नाकाम हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो करीब पिछले 1000 साल से ज्यादा समय में पानी में डूबा रहा। यह सच्ची घटना एक ऐसे मंदिर की है जो पिछले कई सालों तक नदी में डूबा रहा। जब दोस्तों इस मंदिर को गांव वालों ने देखा तो गांव वाले भी अचंभे में आ गए और फिर जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के न्यायगढ़ में स्थित महानदी की, जहां कुछ ही महीने पहले इंडियन रिसर्च की टीम ने करीबन 1000 साल पुराना मंदिर ढूंढ निकाला है। रिसर्च टीम के मुताबिक यह मंदिर करीबन 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है और पास में स्थित गांव वालों के मुताबिक यह मंदिर कुछ महीने पहले ही महानदी से अचानक बाहर आ गया। सबसे पहले मंदिर का शिवाला नदी से बाहर दिखने लगा, जिसके बाद धीरे धीरे नदी के जल स्तर में कमी आने लगी और मंदिर पूरी तरह से दिखने लगा। रिसर्च टीम के मुताबिक ये मंदिर 15वीं से 16वीं शताब्दी का है और इस मंदिर में भगवान गोपीनाथ की प्रतिमाएं विराजमान थी, जिन्हें भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की पुरातत्व विभाग की टीम ने बताया कि उनकी टीम के लोगों ने इस मंदिर को खोजा है और मंदिर का शिवाला उड़ीसा के न्यायगढ़ स्थित वैदेवेश्वर के पास महानदी की शाखा पद्मावती नदी के बीच में है। आर्कियोलॉजिस्ट दीपक कुमार नायक ने बताया कि यह मंदिर करीब 60 फीट ऊंचा है और नदी के ऊपर दिख रहे मंदिर के मस्तक, उसके निर्माण कार्य और वास्तुशिल्प को देखकर लगता है कि 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण हुआ था। जिस जगह यह मंदिर मिला है उस इलाके को सतपताना कहते हैं। सतपताना में 7 गांव हुआ करते थे। 7ों गांव भगवान गोपीनाथ की पूजा करते थे और उसी समय यह मंदिर बनाया गया था। दीपक कुमार नायर जी बताते हैं कि करीब 200 साल पहले जब नदी ने रुख बदला और तेज बाढ़ आई, जिसकी वजह से मंदिर और आसपास का पूरा इलाका डूब गया। यह घटना 19वीं सदी में हुई थी और इसी दौरान गांव वालों ने भगवान की मूर्ति मंदिर से निकाली और एक ऊंचे स्थान पर चले गए। आसपास के लोग भी बताते हैं कि पद्मावती गाँव के आसपास 22 मंदिर थे जो महानदी के विकराल रूप और रुख बदलने की वजह से आज भी नदी में डूबे हुए हैं। इसे भगवान विष्णु का चमत्कार कहें या फिर कुछ और, मगर इतने सालों के बाद जब भगवान गोपीनाथ देव के इस मंदिर का मस्तक बाहर की तरफ दिखाई दिया तो गांव के सभी लोगों का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं दोस्तों इंटैक के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अनिल धीर के मुताबिक उनकी टीम आज भी महानदी के आसपास के सभी ऐतिहासिक धरोहर का दस्तावेजीकरण कर रही है और उनके मुताबिक इस मंदिर के चारों तरफ 5 किलोमीटर के दायरे में और भी मंदिर और धरोहर खोजी जाने की कोशिश की जा रही है। गांव के लोग बताते हैं कि 25 साल पहले भी इस मंदिर का मस्तक गांव के कई लोगों ने देखा था और अभी सरकार द्वारा गांव के लोगों से अपील की गई कि वह नदी में जाकर मंदिर के ऊपर चढ़ने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म का ही अपमान होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।